हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा, और हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही हमारी मांग है और लड़ाई है। हम लोग का 6 सूत्री मांग में सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे काम के बदले में जो दाम दे रहा है वो हम लोग को जो मान दे के नाम मान सेविका के नाम से हम लोग को मान दे दिया जाता है, जिसमें हमको शासकीय काम मातारी वंदन जिसको देख रहे हो आप लोग सभी लोग कि हम लोग कितना व्यस्त है कितना काम है, अगर हम लोग उस काम को पूर्ण भी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं पर भी हमको दबाव दिया जा रहा है और हमारे से ऑनलाइन ही हो रहा है, हम लोग का वर्जन भी कम रहता है मोबाइल में, जिससे हमारी कार्यकर्ता बहनों को इतना परेशान किया जा रहा है कि ऑनलाइन हम ही कार्यकर्ता लोग बहनें हमारे सचिव लोग और हमारी कार्यकर्ता बहनों को इतना परेशान किया जा रहा है, पर भी हम लोग हम हमारे काम से पीछे नहीं हट रहे कर रहे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें शासकीय काम ले रहे हैं तो हमें भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, अगर शासकीय कर्मचारी का दर्जा हमें अभी नहीं दे पा रहे हैं तो हाल में हमें कम से कम न्यूनतम मानदेय जो तय है 21,000 हमें दिया जाए, और हमारी कार्यकर्ता बहनें इतना ग्रेजुएट हैं जो इस काम में व्यस्त है और इतना काम दिखा रहे हैं, हमारे नारी शक्ति को ऊपर उठाना चाहिए सरकार ल तो हमारे कार्यकर्ता बहनी मतलब और नीचे दिखा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ता बहनों को सुपरवाइजर में तबादला किया जाए बिना कोई परीक्षा लिए, और जो बालवाड़ी में तबादला हो रहा है जो नर्सरी शिक्षिका उसमें हम लोग को शिक्षिका को ना लेके हम लोग को आंगनबाड़ी शिक्षिका नर्सरी शिक्षिका का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। और इनमें से और 3 मांग है जिसमें हम लोग को पेंशन ग्रेजुएटी ये सब हमारी जो जब हम कोई कार्यकर्ता बहने मृत्यु हो जाते हैं अचानक दुर्घटना में तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता ना हमारे पीछे हमारे परिवार को भी कुछ नहीं मिलता, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को एक अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए, तो यही हमारी मांग है। और सरकार को हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इसीलिए आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे। मैं आगे भी लड़ाई तो जारी रहेगा ही, तो हमारी लड़ाई ना लड़ने से अच्छा कि शासन हमें नज़र में रखे और हम लोग का मांग पूरा करे। मैं श्रीमती संतोषी निर्मलकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त संघ सचिव। हम लोग को इतना कम पेमेंट देते हैं और गैस टंकी दिए हैं, गैस दिए हैं, टंकी दिए हैं, गैस टंकी भी बहुत कम पेमेंट जमा होते हैं, हम लोग क्या करेंगे, और खाना भी बनाते हैं समय तक रहते हैं और समय के हिसाब से हम लोग को पेमेंट भी बहुत कम मिलता है। श्रीमती दुलारी साहू।